तो हेलो गाइस, देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है और इफिन ट्रांसफार्मर से यानी कॉपर कॉल मैंने निकाल लिया है तांबे का तार, और ये तांबे का तार को यानी कि डिब्बा की मदद से यानी कि अच्छे से इस पर सेप देने वाला हूँ सर्कल वाले सेप। तो इनके तो मैंने 30 घेरे लगाने हैं, तो हर 30 घेरे के 15 घेरे के बाद एक लूप निकालना है। तो देख सकते हैं मैंने कि लूप निकाल रहा हूँ, देख सकते हैं एक सिंपल से लूप में मोड़ के निकाल देना और फिर यानी कि 15 घेरे यानी कि 15 टर्न मारना है। तो 15 टर्न के बाद इसे काट लेना है, फिर आराम से इसे यानी कि डिब्बा से बाहर नहीं निकालना है, तो बिखरे नहीं, इसलिए यानी कि जो निकाला हुआ तार उसी से अच्छे से मोड़ लेना है। तो देख सकते हैं यानी कि मोड़ने वाला हूँ, मोड़ रहा हूँ, देख सकते हैं यानी कि अच्छी तरह मोड़ने के बाद यानी कि इस तरह तीन तार निकल जाएंगे। तो ये बीच वाले हैं, फिर आखिरी वाले हैं और ये शुरुआती वाले हैं तार, देख सकते हैं फिर अच्छे सीधा कर लेने हैं। तो देख सकते हैं ये तीनों तार निकल गए हैं, तो फिर और एक तार मोड़ने हैं, इसमें भी 30 टर्न मारने हैं और इसमें कोई लूप वूप नहीं निकालने हैं। तो यानी कि मैंने देख सकते हैं 30 टर्न मार लिए और इसे अच्छे तरह से नीचे डिब्बा निकाल लेना है और ये बिखर सकते हैं, इसलिए यानी कि जो आखिरी छोर जो दो तार अच्छे आखिरी छोर से जो तार निकले जो वही तार से यानी कि सिंपल मुझे यानी किसी तरह मोड़ लेने हैं। देख सकते हैं मैं यानी कि मोड़ ले रहा हूँ, इस तरह आप सब भी यानी किसी तरह मोड़ सकते हैं ताकि बिखरे नहीं और सुरक्षित एक सेप में रहे, तो सेप से बाहर नहीं। तो देख सकते हैं दो तार निकल गए हैं इसमें से और इसमें तीन तार है, देख सकते हैं इसमें तीन तार हैं, यह आखिरी छोर है और देख सकता हूँ इसे माचिस से जला के हटाना पड़ता है। तो इसे मैं सिंपल माचिस से गर्म करके यानी कि इसे इंसुलेटर हटाने वाला हूँ। तो चलिए इसका इंसुलेटर हटाते हैं पहले। तो मैंने देख सकते हैं यानी कि इसे सिंपल जो किनारे छोर में हल्के से बस यानी कि माचिस से हटा के इसका इंसुलेटेड बस हटाने हैं, फिर इसमें जो पूरी तरह नहीं हटते हैं मगर यानी कि इसमें से काले पदार्थ बच ही जाते हैं, तो इसे मैं यानी कि जो सरस पत्ता होता है जैसे सरस पत्ता से यानी कि अच्छे से रगड़ के यानी कि इसे पूरा यानी कि इसका इंसुलेटर हटा देना, पूरा क्लियर इसका हट जाएगा इंसुलेटेड। फिर इसके जो जो दो तार वाले जो तावे तार थे 30 टर्न वाले तावे तार जिसमें दो तार निकले, तो उसमें यानी कि LED पर दोनों छोर के LED के कनेक्शन कर देना है। इसमें माइनस प्लस कोई मैटर नहीं करता है, तो यानी कि इसे दोनों छोर पर यानी कि LED के अच्छे से जोड़ लेने हैं, पहले सिंपल इसमें कनेक्शन कर लेंगे फिर बाद में। और देख सकते हैं फिर यानी कि ट्रांजिस्टर 2N22A है, यानी कि इसे आखिरी छोर यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर का दूर दूर फैला लें ताकि आपस में सटे ना, इसलिए दूर दूर फैला लेना है। और जो जो किनारे वाले तार है वो माइनस वाले रहते हैं, तो उसमें यानी कि जो माइनस है तो जो बैटरी का तार और उसके कनेक्शन ताकि अच्छे से समझ में यानी कनेक्शन करने में। तो मैंने कि जो रेजिस्टेंस यहाँ देख सकते 52 kA का ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये इसमें ट्रांजिस्टर में कनेक्शन में यूजफुल होगा और इसे आप ये ट्रांजिस्टर का नंबर नोट कर लीजिए ताकि हाँ अगर आप इसे दूसरा कुछ कनेक्शन करते हैं तो आपका काम नहीं करेगा। तो ये बोले फिर उसके बाद में यानी कि जो ट्रांजिस्टर है उसका आखिरी छोर पे यानी कि बैटरी का जो काला तार है उससे जोड़ लेना है सिंपल सा, और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को जो ट्रांजिस्टर के बीच वाले छोर पे अच्छे से बीच वाले तार पे अच्छे से कनेक्शन कर लेना है। तो ये देख सकते हैं मैं अच्छे से कनेक्शन कर रहा हूँ, जो तरह आपको भी कर लेना है। और जो आखिरी तार बच गया उसके जो लूप के जो तावे तार है उसके तावे तार के आखिरी छोर के जो तार है उस पर आराम से जोड़ लेने हैं। तो देख सकते हैं मैं इसे जोड़ रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा, मगर आप ध्यान से इसका कनेक्शन नहीं होगा तो ये अच्छे से काम करना बंद कर देता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। तो इसका अच्छे से टाइट रहना भी जरूरी है एकदम, फिर बाद में इसका सोल्डिंग कर लीजिएगा ताकि इससे और ज़्यादा सेफ्टी हो जाए इससे। तो जो लूप में मैंने निकाला था लूप से यानी कि जो बैटरी का जो लाल तार है उसे यानी कि जोड़ लेना है, और जो आखिरी तार जो बच गया उसे रेजिस्टेंस को जो आखिरी है उसे आखिरी तार जो बचा हुआ है यानी कि शुरुआती तार जो हमने माइनस में निकाला था उसे कर लेना है, फिर इसे अच्छे से मजबूती से और ज़्यादा मजबूती मिले इसके यानी कि इससे सोल्डिंग भी कर लेना है यानी कि ऊपर नीचे से सब चारों तरफ से कर लेना है। तो मैं एक एक करके सोल्डिंग करने वाला हूँ, कर रहे हैं देख सोल्डिंग कर रहा हूँ।
और इसे सोल्डिंग करना एकदम जरूरी है। ये देख सकते हैं ये सोल्डिंग कर लिया है, जो ट्रांजिस्टर उसका फिर छोड़ पे निकाला तार और लूप में लाल तार है देख सकते हैं, और रेजिस्टेंस और बीच वाले ट्रांजिस्टर के बीच वाले तार पे है। और कोई कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड पर इसे अच्छे से चिपकाना ताकि सीधा खड़ा रहे और हिले उले ना, तो उसके लिए और एक छोटा सा जो पूरा उसे ले लिया, उसे ग्लू गन से चिपका लेना अच्छे से। अच्छे से चिपका लिया और इस पर यानी कि जो हमने जो तवे तार के जो स्ट्रक्चर बनाया है यानी कि जो मोहा है उससे भी अच्छे से चिपका लेना है और ग्लू गन को आगे पीछे कर लेना ताकि मजबूती रहे, जो खड़ा सकते यानी कि जो मेटल का टुकड़ा है लोहा का टुकड़ा ऐसे इसे आगे तरफ चिपका रहे, देख रहे हैं कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। और ये इसी तरह यानी कि तीन करने दो हो गया तीन हो गया, और ये चुंबक का सिंपल सा टुकड़ा है, आपको भी चुंबक का यूज कर सकते हैं, जो आगे पीछे लोहा चिपका हो रहा है आगे पीछे घसक सकता है, इसे यानी कि अच्छे से समझाने के लिए मददगार होता है। तो जो आखिरी वाला जो दूसरे वाले वो और एक जो बने हुए थे लूप लूप को उसे अच्छे से इस पर चुंबक के ऊपर चिपका देना है ताकि अच्छे से घसकाओ इसकी दूरी को एडजस्ट किया जा सके और इसे अच्छे से बना सकते हैं। और इसके बगल में सिंपल एक 9 वोल्ट का बैटरी है जिसका कनेक्शन देख सकते हैं आगे है, उसे यानी कि इसे चिपका लेना है। अच्छे से चिपक जाने के बाद इसे अच्छे से जोड़ लेना है। अच्छे से जोड़ लेने के बाद तो इस पर एक ऑन ऑफ का कनेक्शन रहेगा, पहले मैं इस जोड़ ले रहा हूँ, फिर सिंपल में देख सकते हैं काले वाले तार में एक ऑन ऑफ बीच में से पर काट लेना और ऑन ऑफ जोड़ना है बीच में, देख सकते हैं सारे कनेक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए और इसे पहुँच करके देख सकते हैं अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मैंने कर लिया है, और इसमें इसका दूरी को बना के आप इसका इंटेंसिटी यानी कि जो इसका दूरी को बना के वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर को आप देख सकते हैं, जो मैंने ऑन करता हूँ देख सकते हैं ये ऑन हो गया और ये सामने ले जाने पेज इसका ब्राइटनेस बढ़ जा रहा है देख सकते हैं, ये ब्लू लाइट का ब्राइटनेस बढ़ गया। और ये पेपर है, पेपर को सिंपल बीच में डाल के देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देख सकते हैं, ये वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो ही रहा है। और इसका दूर थोड़ा इसका दूरी थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इससे अच्छे से काम फिर भी कर रहा है, और देख सकते हैं वो अच्छे से समझाने के लिए बहुत जिससे आगे पीछे घसका कर सकते हैं।